क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम प्रवीण टाक है। हम वार्ड नंबर 2 बख्तावरपुर से आए हैं, नरेला जोन से। और जो हमारे डिमांड है कि 23-23 साल से कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया है, 2003-04 से जो एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, हम उनका सबको मांग मंगवाने के लिए रणधीर गागट जी और जो संयुक्त मोर्चा बैठा, हमें किसी से कोई पार्टीबाजी नहीं है हमारी, ना ही हमने अपना कोई वो दिया है। हम उनका समर्थन करने आया, जो भी हमारी मांगे कोई मांगों के लिए लड़ेगा हम उसके साथ हैं। किसका समर्थन करने आए हैं आप? हम सरकार का? नहीं जी, संयुक्त मोर्चा और रणधीर गागट, जो 5 भाई हमारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं 20 तारीख से, हम उनके सबके साथ हैं। और हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम पीछे नहीं हटेंगे और ऐसे ही काम बंद हड़ताल रखेंगे। प्रेम सिंह बिरलान है, मैं दिल्ली निगम मजदूर कांग्रेस का कोष अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश। और मैं हमारा वार्ड नंबर दो बख्तव नरेला जोन से हम आए हैं और हम सब भाइयों का समर्थन करना है। अपने यूनियन के जितने पदाधिकारी हैं और यूनियन को हम समर्थन करते हुए आए हैं। बड़ी शर्म का विषय है कि इतना प्रदर्शन होने के बाद इस सरकार की कार में जू नहीं रेंग रही। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक जो सुबह सफाई कर्मचारी उठकर सुबह 6 बजे अपने घर से निकलता है और दिल्ली को स्वच्छ बनाता है। आज हमने इतने धरने प्रदर्शन कर लिए, ना तो मोदी निकम्मा प्रधानमंत्री, ना दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री केजरीवाल, ना हमारी महापौर, ना हमारी कोई नहीं सुन रहा। और हम दिल्ली को भारत सरकार के आदेश के अनुसार हमने स्वच्छ दिल्ली को बनाया और वो दिखाया प्रधानमंत्री को। अरे शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, आपको इतना हमने अच्छा कार्य करके दिखाया, आज हमारी बात पे कोई गौर नहीं कर रहे। और हमारी डिमांड है, आज हमारे 2003-2004 से जो कच्चे कर्मचारी जो पक्के हुए थे, इनका एरियर 15-15 लाख रुपया एरियर इनका बकाया है। और 22 साल से हमारे कर्मचारी जो डेली वेजर ही हैं, इनको आज लोग पक्का नहीं करा गया, जो कि उनकी उम्र उनकी रिटायरमेंट के तौर पर आ रही है। निगम प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, क्या वो कच्चे ही रिटायर होंगे? उनको पक्का करो, पक्का करेंगे, नहीं तो दिल्ली के अंदर और आंदोलन बहुत तगड़ा होगा। और आने वाले समय इन राजनीतिक पार्टियों को आने वाले इन पार्टियों को ऐसा सबक सिखाएंगे। प्रेम सिंह जी, अभी एक 21 तारीख को और 20 तारीख को एक जजमेंट पास हुआ है जिसमें दलित उत्पीड़न एक आपका एक कवच था, उस कवच को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। जो जातीय स्तर से भेदभाव था उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये क्या नाम सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये RSS सरकार चला रही है, जो कि दलितों का हमेशा जब जब प्रशासन में या भारत सरकार में BJP की सरकार आई है, RSS वाले इस पे शासन करते हैं। ये RSS की चाल है, जो कि आज हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए जा रहे हैं। जब जब कर ये BJP आई है, जब जब हमारे साथ कुटारा घात हुआ है, और हम चेतना दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, अरे हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो हम प्रधानमंत्री गिरा भी सकते हैं। आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी हम प्रदर्शन करेंगे और करा था, और अभी अगर क्या नाम नहीं है खत्म किया तो एक बड़ा आंदोलन भारत के अंदर ऐसा होगा, या मरेंगे या मार देंगे। प्रेम सिंह जी, अभी आपने 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद किया था, उस भारत बंद में किसी भी दलित समुदाय ने कोई भी इस तरीके की आगजनी नहीं की, उसके बावजूद दलित समाज को घर घर से उठा उठा के बंद किया जा रहा है। ऐसे है, ये योगी सरकार, योगी ये जितने भी ये बाबा बिठाए हुए हैं, ये मडरी हैं, ये कतली हैं,
जो मुख्यमंत्री बढ़ा के बिठा रखे हैं, ये मडरी है, कतली है, इनको बदमाशों को सीट पे बिठा रखा है मुख्यमंत्री। ठाकुर ठाकुर ठाकुर, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। अरे मोदी जी, आपने किसी दलित को भी मुख्यमंत्री बनाया है? किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया है? जहाँ भी देखो वहाँ ठाकुर, देखो ब्राह्मण। ये जातिवाद, जब जब बीजेपी आई जातिवाद का निर्गम हो रहा है। और ये क्या नाम, हम घोषणा करना चाहते हैं कि मोदी जी, या तो आपसे जल जाओ, मत सता इन गरीब को, ये गरीब रो देगा। और इनकी हाय पड़ी तो दीन दुनिया से खो देगा मोदी जी।